अच्छे काम को करने में कठिनाई थोड़ी नहीं बहुत आती है, कठिनाई थोड़ी नहीं बहुत आती है, इसलिए सभी कठिनाइयों के बीच आपने इसी यात्रा को पूरी किया। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम सभी लोगों ने आज जल यात्रा को शांतिपूर्वक ढंग से पार लगाया, ठीक उसी प्रकार से 9 दिन तक हम सभी लोग मिलकर के इस महायज्ञ में जो भी हमसे त्रुटि हो उस पर हम लोग कंट्रोल करेंगे। हम सभी लोग अधिक से अधिक प्रयास करेंगे, हमारी वाणी से, हमारे द्वारा, हमारे कृत्यों के द्वारा, हमारे किसी भी तरह से किसी को कोई चोट न पहुंचे, किसी से कोई दुर्व्यवहार न हो। 2 मिनट में आप लोगों के बारे में बताऊंगा और जग के बारे में किस प्रकार से पूजा पाठ आज से 9 दिन करना है। आप लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं? अब आपने हाथ हाँ में हाथ उठाया है कि ना में हाथ उठाया है? अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं कुछ सुनना चाहता है? देखो सब बात उठा दी, अरे राम राम, प्रेम से मिले गणराज भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, महंत श्रीकांत जी महाराज की। एक निवेदन मैं करूंगा भैया, पहले डीजे भम भम बंद करो। मैं जब से यहाँ आया हूँ, जग की तैयारी जब से शुरू हुई है, तब से हर व्यक्ति कोई ना कोई यही सवाल करने आता है कि किस तरह से कलश उठाना है, किस तरह से व्रत रहना है। आप लोगों को सवाल करना है ना, सभी लोग ये सवाल करना चाहते हैं। मैं सभी लोगों को बता दे रहा हूँ आज से 9 दिन, क्योंकि एक एक लोगों को बताते रह जाऊंगा मैं 2 दिन में, शायद मेरा हालत भी जय श्री राम हो जाएगा यहाँ, इसलिए इकट्ठे में बता दे रहा हूँ। सब लोग सुन लीजिए, जिसको ना समझ में आए अगल बगल आदमी से आप लोग पूछ लीजिएगा। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की। आज हम सभी लोगों ने कलश उठाया, कलश उठा करके जल यात्रा में शामिल हुए। तो आज से हम सभी लोग, अभी तक तो आप लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है, सभी लोगों ने पानी पिया होगा या दूध पिया होगा या फलहार किया होगा, लेकिन अन्न तो नहीं खाया ना आपने। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की। आज से आप सभी लोगों का फर्ज है 9 दिन तक व्रत रहना, आज से लेकर 9 दिन तक व्रत रहना। ये आपने कलश उठाया है, इसका फर्ज है। अगर 9 दिन तक किसी कारणवश हम व्रत नहीं रह पाते हैं तो सिर्फ आज व्रत रह जाएंगे और फिर लास्ट वाले दिन व्रत रह जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और जिसका श्रद्धा हो, कोई मनोकामना हो, अपना मनोकामना रख करके 9 दिन तक भी व्रत रह सकता है। और जिसको आज भी व्रत नहीं रहा जाए, शरीर बर्दाश्त न करे, तो आज अभी तक व्रत है, उसके बाद यहाँ से जाकर के बिना लहसुन प्याज का भोजन 9 दिन तक कर करके रह जाएगा या आज कर लेगा। बहुत सब देखो, आप पूजा पाठ में सम्मिलित हुए हैं, पूजा पाठ में मुख्य जरूरी है अपने शरीर को स्वच्छ रखना, शुद्ध रखना, मतलब तबीयत खराब ना हो, इस चीज पर ध्यान रखते हुए एक बात। और दूसरी बात कि जिस तरह से आज हम लोगों ने कलश उठाया ना, लेकर के गए घूमने, घूम करके कलश लेकर के आए हम लोग, कलश लेकर के आकर के बाहर रखे हैं, जब सलग बार बार है ना, कल फिर हम लोग उसी कलश को सुबह लगभग 10:30 से 11 बजे में यहाँ मंडप प्रवेश पंचांग पूजन होगा। कल सुबह सब लोग यहाँ आएंगे, फिर से उस कलश को हम लोग सर पे उठाएंगे। आज जो हम लोगों ने बाहर रखा है, कल उसी को मंडप के अंदर रखना है। बात समझ में आ रही है? कितना बजे? 10 से 10:30 बजे के बीच में आप सभी लोग आ जाएंगे यहाँ मंडप प्रवेश, उससे पहले प्रारंभ हो चुकी होगी, एक बात। और दूसरी बात कि जैसे हम लोग अपने अपने घर में शाम के समय में दीपक जलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं यहाँ? संध्या बोलते हैं, कहीं सजावट भी बोलते हैं, अलग अलग, जो शाम के समय में दीपक जलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने कलश के निमित्त हमने जो